हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो। दोस्तों, आज जो लेसन करेंगे वो है बी माइनर कॉर्ड्स फैमिली, ठीक है ना। तो पिछले लेसन में हम ए माइनर कॉर्ड्स फैमिली हम सीख चुके थे, आज हम बी माइनर कॉर्ड्स फैमिली सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हों और सब्सक्राइब किए नहीं हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज का जो लेसन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है थियोरी, सेकेंड पार्ट जो है प्रैक्टिकली उस थियोरी को कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम सिखाएंगे, ठीक है ना। पहला है कि आप लोगों को क्या है कि कॉर्ड्स फैमिली का जो फॉर्मूला है वो मैं सिखाता हूँ। तो कॉर्ड्स कैसे बनता है, स्केल से कॉर्ड्स बनता है, ये हम सीखते हैं कैसे बी माइनर स्केल बनता है। तो स्केल, तो ये सब सारे चीज़ जो है ना, मैं आपका बेसिक लेवल, जो बिगिनर लेवल का जो मेरा सीरीज चला है लेसन 1 to लेसन 43, तो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में ये सब मैं सिखाया, तो भी मैं आप लोगों को ये थ्योरी में बता रहा हूँ फिर से, ताकि जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। जो लोग सीरीज फॉलो नहीं किए हैं, अगर मैं तो रेकमेंड करूँगा आप सीरीज फॉलो कीजिए, जो बिगिनर लेवल का है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 1 to 43 लेसन सब फॉलो कीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि नोटेशन सर्कल तो आपको याद होगा, कौन सा नोट किसके बाद आता है, ठीक है ना। तो भी मैं एक बार बता देता हूँ, वो है सी, उसके बाद सी सब, उसके बाद डी, डी सब, उसके बाद ई, उसके बाद ई के बाद कोई साफ नहीं होता है एफ, उसके बाद एफ सब, उसके बाद जी, उसके बाद जी सब, उसके बाद ए, उसके बाद ए सब, उसके बाद बी, बी के बाद कोई साफ नहीं होता है वो है सी, ठीक है ना। फिर सी में वापस आ जाता है बी के बाद। तो ये है नोटेशन सर्कल। तो अभी चलिए, अभी माइनस स्केल कंस्ट्रक्ट करने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी पेन और पेपर में आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको बस कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो माइनस स्केल कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला है वो क्या है, रूट, उसके बाद आपका होल नोट आता है, उसके बाद हाफ नोट आता है, उसके बाद फिर दो होल नोट आएगा, होल होल, उसके बाद आपका हाफ आएगा, फिर होल एंड होल। तो ये होता है आपका माइनस स्केल बनाने का जो फॉर्मूला। तो अभी बी माइनर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से बी माइनर का जो स्केल जो है वो बनाते हैं, कौन सा नोट आएगा। तो अभी बी माइनर अगर हम बना रहे हैं तो रूट नोट कौन सा हो गया, बी, ठीक है। तो पहला नोट बी आ गया, उसके बाद कौन सा नोट है, होल नोट है। बी का होल नोट क्या होता है, सी सब होता है, ठीक है ना। बी का नेक्स्ट नोट क्या है, सी, जो हाफ नोट होता है, लेकिन होल नोट क्या होगा, उसका नेक्स्ट नोट सी सब, तो हो गया सी सब सेकेंड नोट। थर्ड नोट क्या है, थर्ड नोट हाफ आएगा, हाफ नोट, तो हाफ नोट सी सब का नेक्स्ट नोट क्या है, डी, तो डी बन गया थर्ड नोट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि दो होल नोट आएंगे, जो फोर्थ नोट है वो है डी का होल नोट। होल नोट क्या होता है, डी का होल नोट, डी से आप नहीं लेंगे, ई, ई डी का होल नोट है, तो ये फोर्थ नोट हो गया। फिफ्थ नोट क्या है, ई का होल नोट, ठीक है। तो ई का जो होल नोट है वो है एफ शार्प, कैसे हुआ, ई के बाद डायरेक्ट एफ आता है, ई का कोई शार्प नहीं होता है। ई का नेक्स्ट नोट क्या है, एफ है, एफ के नेक्स्ट नोट एफ शार्प, तो ई का होल नोट हो गया एफ शार्प, ठीक है, वो है फिफ्थ नोट। अभी सिक्स्थ नोट क्या है, सिक्स्थ नोट है हाफ नोट, ठीक है ना। तो एफ शार्प का हाफ नोट क्या होगा, जी, ठीक है, वो है सिक्स्थ नोट। सेवन्थ नोट क्या है, सेवन्थ नोट आपका हो गया जी का होल नोट जो कि ए है, ठीक है ना। उसके बाद और एक होल नोट जो है बी, जो रिटर्न बी आता है, सारे गा मा पा धा नी, जो सेवन्थ नोट हो गया आपका ए, और ए का होल नोट जो है बी जो कि सा, फिर से, ठीक है, बी से शुरू किए थे, बी में पहुंच गए हम। तो ये है फॉर्मूला। अभी हमको पता चल गया कि बी माइनर स्केल में कौन सा नोट्स आता है। अभी इससे हम बनाएंगे बी माइनर कॉर्ड्स फैमिली, ठीक है। कॉर्ड्स फैमिली का फॉर्मूला है, कोई भी स्केल में आप कोई भी स्केल जान गए हैं तो जो जो नोट आता है उसके हिसाब से जो कॉर्ड्स फैमिली जो बनता है उसका जो फॉर्मूला है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज माइनर कॉर्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट नोट, फोर्थ नोट, फिफ्थ नोट माइनर कॉर्ड है, और सेकेंड नोट होता है वह डिमिनिश कॉर्ड होता है, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन्थ मेजर कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमारा कौन सा कॉर्ड्स बनेंगे। हमारा फर्स्ट नोट है बी, तो बी जो है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ जो मैं बोला हूँ बी माइनर है, तो बी माइनर कॉर्ड बन गया। तो बी माइनर रूट है, तो रूट हमेशा माइनर ही होगा, क्योंकि माइनर कॉर्ड्स फैमिली में बी रूट नोट का माइनर ही, रूट नोट जो होता है वो माइनर होगा, तो बी माइनर हो गया यहाँ पे। सेकेंड नोट क्या है, सी सब, सी सब क्या होगा, डिमिनिश होगा, ठीक है, तो सी सब डिमिनिश कॉर्ड हो गया। थर्ड नोट कौन सा है, डी है, तो वन, जो थ्री, सिक्स एंड सेवन मेजर कॉर्ड है, तो डी मेजर कॉर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ नोट कौन सा है, ई, वन, फोर, फाइव माइनर है, तो फोर्थ नोट अगर ई है तो ई माइनर बन जाएगा। फिफ्थ भी माइनर है, तो फिफ्थ नोट कौन सा है, एफ शार्प है, एफ शार्प माइनर बनेगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स एंड सेवन मेजर कॉर्ड होता है, तो सिक्स एंड सेवन नोट में कौन सा नोट है, जी है,
तो जी मेजर बनेगा, सेवेंथ नोट जो है ए है, ए मेजर बनेगा, ठीक है। तो 3 6 7 डी जी ए ये तीनों मेजर होंगे, और रूट फोर्थ एंड फिफ्थ तो जो कि एक 1 4 5 जो है वो माइनर होंगे। तो कौन सा माइनर कॉर्ड बन रहा है, बी रूट रूट फोर एंड फिफ्थ मीन्स 1 4 एंड 5, तो बी माइनर हो गया आपका, ई माइनर हो गया, एफ सब माइनर हो गया, तो ई है माइनर हो गया, और सेकंड नोट जो है सी सब वो है डिमिनिश्ड, ठीक है। तो डिमिनिश कॉर्ड जनरली हम लोग बहुत कम गाने में यूज करते हैं, और इसका जो सीरीज मैं एडवांस लेवल में सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं फटाफट प्रोग्रेशन जानते हैं अभी। तो अभी हमको पता चल गया कि कौन सा कॉर्ड्स बी माइनर कॉर्ड्स फैमिली में आएगा, ठीक है। तो बी माइनर हो गया, सी सब डिमिनिश हो गया, डी मेजर हो गया, उसके बाद ई माइनर, एफ सब माइनर, उसके बाद आपका जी मेजर, उसके बाद ए मेजर, उसके बाद फिर से बैक बी माइनर, ठीक है। तो ये हो गया सारेगामा पधानिशा के हिसाब से जो नोट्स जो बनता है, जो नोट्स है उसका कॉर्ड्स फैमिली, पूरा बी माइनर का कॉर्ड्स फैमिली पता चल गया। लेकिन ये स्ट्रेट कट है, ठीक है। कुछ कुछ कॉम्पोजिशन ऐसे ही होता है जो मैं पहले लेसन में बोल चुका हूँ, कुछ कुछ कॉम्पोजिशन ऐसा होता है, कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड्स आते हैं, तो उसका भी मैं कुछ कुछ फॉर्मूला है मैं बताऊँगा कि मतलब कैसे आ रहा है वो सब कॉर्ड्स, वो बाद में बताऊँगा धीरे धीरे करके। तो अभी हमको बी माइनर कॉर्ड्स फैमिली कौन सा कॉर्ड्स आएगा ये पता चल गया। अभी हम एक प्रोग्रेशन लेते हैं, और उसके बाद कोई एक रिदम पैटर्न लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बी माइनर कॉर्ड्स फैमिली। बेस्ट जो प्रैक्टिस है मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम जो कंपोजिशन बनता है 1 4 5 पैटर्न में, ठीक है। तो वो सब हम दो या तीन पैटर्न अभी सीखते हैं। पहला पैटर्न है 1 4 5, तो 1 कौन सा है बी माइनर, और 4 कौन सा है ई माइनर, 5 है एफ शार्प माइनर, ठीक है। तो ये पैटर्न लेते हैं, और जो सबसे आसान जो आपको कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न हो, जैसे कि डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ये पैटर्न लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये जनरली हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बी माइनर में जितने भी कॉर्ड्स फैमिली हैं ये सारे जो प्रोग्रेशन है ये अगर हम प्रैक्टिस करके रखते हैं तो कोई भी गाना बी माइनर में आएगा तो हम इजीली बजा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रोग्रेशन मेन होता है, कॉर्ड्स चेंजिंग जो है प्रैक्टिस मेन होता है इसमें, ठीक है। स्ट्रमिंग पैटर्न कोई भी ले लीजिए आप, जो सबसे ईजी है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोग्रेशन प्रैक्टिस करते हैं, 1 4 5 का जो प्रोग्रेशन है उससे बनता है आपका बी माइनर, ई माइनर एंड एफ शार्प माइनर, बार कोड लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलिए ये प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन हो गया, उसके बाद और एक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस करेंगे, 1 7 6, ठीक है। तो ये जो है बी माइनर, ए मेजर, जी मेजर, ठीक है ना। तो आप ये बारकोड भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आप ओपन भी ले सकते हैं, ठीक है। जनरली मैं ऐसे बजाता हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, जो रूट नोट है बारकोड के बदले में रूट नोट को मैं ये बेस जो नोट है इससे मैं इससे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा बारकोड आप ऐसे ही बजा सकते हो, या आप रूट नोट को जो है रूट नोट जो है ये थम से ये रूट नोट को बजा सकते हो, तो एक ही हो गया जनरली, ठीक है। ये मैं बारकोड जब सिखाऊंगा तब मैं सिखाऊंगा कैसे मतलब होल्ड करना पड़ता है, डिफरेंट वे ऑफ होल्डिंग ए बारकोड्स, ठीक है। ये मैं बाद में सिखाऊंगा जब बारकोड का लेसन होगा इंटरमीडिएट लेवल में, ठीक है। तो चलिए अभी ये प्रोग्रेशन सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड प्रोग्रेशन। अभी थर्ड प्रोग्रेशन जो है ना, आप कोई पैटर्न में मत जाइए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थर्ड पैटर्न में जो है सारे जो कॉर्ड्स है डिमिनिश कॉर्ड को छोड़ के, ठीक है, डिमिनिश कॉर्ड हम एडवांस लेवल में सीखेंगे, डिमिनिश कॉर्ड को छोड़ के सारे जो कॉर्ड्स है बी माइनर कॉर्ड्स फैमिली का आप पूरा बजाइए, ठीक है। कोई भी पैटर्न मतलब पूरा प्रैक्टिस कीजिए आप। बी माइनर हो गया, डी मेजर हो गया, ई माइनर हो गया, एफ शार्प माइनर हो गया, जी मेजर हो गया, ए मेजर हो गया, बैक टू बी माइनर, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड्स है ये सारे कॉर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, जितना भी कॉर्ड्स है।
G major, E minor, ऐसे आप मतलब कोई भी कॉर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस बजाते रहो B minor के सारे कॉर्ड्स, A major, G major, E minor, D major, B minor back. तो ऐसा करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मेनली ये हम B minor का जितने भी कॉर्ड्स फैमिली में सारे कॉर्ड्स जो है कॉर्ड स्विचिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, मतलब कोई भी गाना में B minor कॉर्ड्स आ रहा है, जो B minor में कोई भी बी माइनर स्केल में कोई भी गाना बनता है तो हम इजीली बजा सकें इसको, तो इसलिए हम ये लेसन सीख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा, कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में लिखिए, आपका कॉमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट गिटार लेसन।